आपके टाइम में इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ, जो संविधान पे छेड़छाड़ हो रही है। संशोधन तो हुआ लेकिन इस तरीके का जो अभी जो जजमेंट दिया है दो जजों ने, वो किस तरीके से आप इसको मानते हैं? जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिया है ये बहुत ही निराशाजनक है और हम लोगों के विरोध में बैठता है जी। क्योंकि भारतीय संविधान में जब भी समय समय पर संशोधन किए हैं और जब आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि समाज के वो लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो है हम के लिए जो प्राविधान किया गया था कि इनके ऊपर एट्रोसिटीज ना हो और एट्रोसिट हो तो उनके ऊपर FIR की जाए और उनके पीछे तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसा सोच करके कि ये इसका मिसयूज होता है और ये जजमेंट दिया है जो कि उनकी सोची समझी राजनीति के साथ किया है, उनको केंद्र से जो निर्देश हुए उन्हें किया, अन्यथा ऐसा संविधान के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। अगर संविधान के अंदर ये परिवर्तन होता तो संविधान के माध्यम से होता है और संविधान में कोई भी परिवर्तन होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। पार्लियामेंट में इस तरीके का कुछ नहीं लिया गया, लेकिन जो एक हमारा न्यायपालिका है, न्यायपालिका के जो जजेज ने इनको केवल एक दृष्टि से देखा है, अन्यथा पूरे परिपेक्ष में अगर देखते कि इसमें समाज का हित क्या है और अगर काश ये भी सोचते कि संविधान ये जो नियम बनाया गया था SC ST उसके लिए ये क्यों बनाया गया था, जब इसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो पालन करने वाला ही तो इसे जिम्मेदार है। अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया जो कि किसी भी एक आदमी को अनुसूचित जाति या जनजाति के अगेंस्ट में कोई भी एट्रोसिटी की है, किसी को भी फांसी हो, किसी को भी सजा हुई हो। इसलिए ये जनसैलाब का जो कारण है, जो भारत के अंदर जो इस वक्त असंतोष फैला हुआ है, राजनीतिक असंतोष, सामाजिक असंतोष, अभी आपने देखा होगा गुजरात में एक दलित जाति के आदमी को जिसके पास घोड़ी थी और उसको घोड़ी को भी मार दिया, उसका भी कत्ल कर दिया। क्या इस प्रकार का कहते रहेंगे तो हम ये अत्याचार जो अनुसूचित जाति जाति के लोग इतना अत्याचार हम कब तक सहन करते रहेंगे, और इसकी एक पराकाष्ठा होती है। सर, और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे में एक जुमला और छोड़ दिया गया है कि बाबा साहब का नाम चेंज कर रहे हैं। बाबा साहब ने जब धर्म की दीक्षा ली थी, बहुत धर्म की दीक्षा ली थी, कह रहे मुझे राम से कुछ लेना देना नहीं है, बाबा साहब का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिया जाता था, सम्मान से लिया जाता था। अब योगी एंड बीजेपी सरकार कहती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम भीमराव अम्बेडकर रामजी राव लेंगे। ये जो है इनकी फैलाई हुई राजनीति के अंतर्गत आता है, ऐसे जब हम पहले से उनको जानते हैं उसका कोई भी असर इस प्रकार का नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों के अंदर बंटवारा करने के लिए हमारा समाज जो है बहुत जल्दी बहकावे में आ जाता है। मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरीके के बहकावे में ना आए। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और उन्होंने कभी भीम राम जी अम्बेडकर का नाम अपने साथ में नहीं लिया था, इसलिए हम इसका जो नीति अपना रहे हैं उसका हम विरोध करें और करते रहेंगे, और इसका हमें लाभ तभी मिल पाएगा 2019 में, जब तक हम अपने बुद्धि और विवेक से अपना काम नहीं लेंगे तब तक हमें इसका नाम क्या इसके अंदर हमें कोई रिजल्ट हासिल होने वाला नहीं है। तमाम लोगों ने अपने अलग अलग राजनीतिक संगठन भी कर लिए, छोटे छोटे संगठन भी कर लिए हैं और धार्मिक संगठन भी है। आज समय की पुकार है हम अपने मतभेदों को बुला करके, ठीक है अपने आप को नेता बनना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं, बने रहें, लेकिन कुछ एक मुद्दों पर हम लोगों को साथ आना चाहिए। साथ ही साथ हमने 30 तारीख को जो मीटिंग हुई थी जिसके अनुसार ये फैसला लिया। मैं एक फिर आपको ऐसा क्वेश्चन करूंगा कि सर, बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज के अंदर 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 20 वकील होंगे तो उस समाज का कोई भी बाल बांका नहीं करेगा, लेकिन बड़े दुख की बात है आज 20 की जगह लाखों लाखों वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फिर भी संविधान के अंदर संशोधन हो रहा है। क्या उन पढ़े लिखे लोगों का ये दातव्य नहीं बनता है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं उन पढ़े लिखों में से एक हूँ, मैं साइंटिस्ट रिटायर हुआ हूँ और मुझे 16 साल। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी संविधान के? निभा रहे हैं, तभी तो जिम्मेदारी, आपके सामने आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इसलिए प्रदर्शन किया है, हम लोगों ने आयोजित किया है, राष्ट्र लेवल पर किया है, राज्य लेवल पर किया है, जिला लेवल पर किया है, और सबसे अनुरोध किया है हमने भारत के सभी एडवोकेट और वकीलों से भी, हमने ये निवेदन किया है कि इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए और हम ही लोग हैं, हम युवाओं से उम्मीद करना चाहते हैं कि युवा आगे आए हैं और आगे आए और हम लोग लेकर के साथ चलें। वही मेन मुद्दा वहाँ आ जाता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
मैं अभी कर्नाटका और उसका नाम क्या चार प्रदेशों में होकर के आया, वहाँ बाबा साहब के प्रति हमारे समाज हम लोग लगा लोगों को जा करके बता रहे हैं, और जिसने जाना ही नहीं है, जिसने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है, जिसने जाना ही नहीं है बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है, वो क्या देंगे समाज को? समाज को वही दे सकता है जिन्होंने जानकारी हासिल की है। हम लोगों को जानकारी, हमने बाबा साहब को देखा है। बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ, और वहाँ मैंने उसका नाम क्या है समता सैनिक दल के एक सदस्य के रूप में काम किया था, इसलिए हमारे अंदर वो जज्बा है और उसी के अनुसार हम ये फैला रहे हैं। ऐसा नहीं, आज का बुजुर्ग मेरी 76 साल की उम्र है, मेरे अंदर आपके बराबर ही जज्बा है, आपके ज़रा ताकत है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप जैसे पत्रकार लोग, आप जैसे जो न्यूज़ चैनल के लोग हमारी बात को इसके अपने माध्यम से फैला रहे हैं, आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर।